बधाई हो सर। सर बेहद खास दिन आज झारखंड के लिए। बिल्कुल आज विशेष सत्र था और ये तो एक सीढ़ी खाली आगे बढ़े, इसमें अभी और कई पायदान बाकी, उसमें भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता। और हमने सदन में भी कहा कि बात यहीं तक नहीं बल्कि ये चीज़ें बहुत दूर तक जाएगी और इसको ले जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक नए स्वरूप में इस नई ताकत के साथ इस विषय पर सरकार आगे बढ़ेगी ताकि देश के अंदर और हमारे राज्य में आदिवासियों को संरक्षण मिले। सर हाउस के अंदर विपक्ष का कैसा सपोर्ट रहा है इसको? अब विपक्ष के लोगों ने बात आपके सामने समक्ष रखा ही है। हमने पहले भी कहा है कि सरकार बिल्कुल सबको लेकर चलने की मंशा रखती है और हम मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका आवश्यक है और विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में देखा जाए तो बहुत कुछ राज्य के लिए किया जा सकता है। सर लगता है केंद्र से सहयोग मिलेगा इस मुद्दे में क्योंकि हाल के दिनों में कई बार नहीं देखिए अब हमने अपनी कदमें बढ़ा दी और हमने मंजिलें भी सुनिश्चित कर रखी, लक्ष्य भी हमने सुनिश्चित कर रखा। हम चलते रहेंगे, निश्चित रूप से हम अपने मंजिल पर कायम पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। राज अलग होने की परिकल्पना पर सभी कोई हंसते थे, आज राज बना। सर कल जो जीत मिली है सर क्या मैसेज सर क्या कहेंगे सर? ये 9 महीने के आपके कामकाज का मुहर देखिए, मतदान आम नागरिक करते हैं, ये निर्णय उनका है और जनता सब कुछ जानती है और वो देख रही है, हमें इससे ज़्यादा कुछ। सर बिहार चुनाव के परिणाम पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव की भूमिका किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए अब एक अकेले नौजवान को पछाड़ने के लिए कितनी जुगतें लगाई, कितनी जुगतें लगाई, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। और मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके की जीत एनडीए को है तो वो जीत करके भी हार।